अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन सेक्शन के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरेटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज की, जो प्रपोज की थी नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की जो है ये मोस्ट एक्नॉलेज्ड लिंग्विस्ट हैं। लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और बहुत वेल नोन है इस एरिया के अंदर। इनफैक्ट ये मोस्ट साइटेड लिविंग साइंटिस्ट हैं, यानी लिविंग साइंटिस्ट में सबसे ज़्यादा साइटेशंस इनके रिसर्च की है। और आप कभी कभी इनको टीवी पे भी शायद देखते होंगे, मुख्तलिफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज पे भी अक्सर बात करते हैं। तो इन्होंने जनरेटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज प्रपोज की, जिसके मुताबिक ये एक ऐसी थ्योरी है कि हम अगर एक लैंग्वेज के रूट्स को सिंप्लीफाई करके बेसिक लेवल पे ले आए, मसलन एक सेंटेंस है ही ड्राइव्स अ कार, दूसरा सेंटेंस है दे लाइक चॉकलेट्स, तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देख लें तो इसमें पैटर्न क्या है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास एक रूल आ गया। और अब अगर आप इस रूल के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सेंटेंसेस को देखें तो आपको काफी सारे मिलेंगे जो इस रूल को ओबे करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके उससे एक रूल निकाल लिया कि ये रूल जो है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये भी इस लैंग्वेज की सही इस्तेमाल की एक शक्ल है। इस तरह से बहुत सारे और रूल्स भी हैं और आपको हर लैंग्वेज के अंदर इस तरह के रूल्स मिलेंगे। अगर इन रूल्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें और ज़्यादा इनको बेसिक लेवल पे ले आएं, तो उसमें ऐसे रूल्स निकल आएंगे जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेंगे। यानी जिस तरह से हमने एक सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके उसका एक बेसिक रूल बनाया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर हमने देखा कि उस लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस उस रूल को फॉलो कर रहे थे, इस तरह से अगर हम इस रूल को और भी बेसिक बनाएं तो हमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लगेगा कि एक ही रूल जो है वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में फॉलो होता है। तो इन्होंने ये थ्योरी पेश की कि जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं उनकी असल जो है, उनका जो बेसिक फॉर्म है, उसके अंदर काफ़ी सारी कॉमनलिटीज पाई जाती हैं, और अगर हम उसको और ज़्यादा बेसिक लेवल पे ले आएं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल ग्रामर बन जाएगा। और यूनिवर्सल ग्रामर वो ग्रामर होगा जिसके अंदर वो रूल्स होंगे जो सारी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस को ओबे करती हैं। तो ये एक थ्योरी इन्होंने प्रपोज की कि शायद अभी हमें उन रूल्स का नहीं पता, लेकिन ऐसे रूल्स हैं या होंगे कि जिसको सारी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो उसको फॉलो करती हैं। और एटलीस्ट इस लेवल तक तो हमने इसको देख लिया है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के लिए काम करती हैं। मतलब अगर आप देख लें तो उर्दू और पंजाबी के अंदर आपको थोड़ी सी रेलेवेंस नज़र आएगी, और कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो शायद दोनों के लिए काम करें। इस तरह से अगर आप पर्शियन और पश्तो को देख लें तो काफ़ी सारी कॉमनलिटीज़ आपको उसके अंदर नज़र आएंगी। तो इस तरह से काफ़ी रूल्स हम ऐसे देखते हैं कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए काम करते हैं, तो उसी को अगर हम और एनहांस करें और ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करें तो ये रूल्स जो हैं ये सारी लैंग्वेजेस के लिए काम कर सकते हैं। और इस तरह से जब हमारे पास वो बेसिक फॉर्म आ जाए जिसको सारी लैंग्वेजेस ओबे करती होंगी, तो वो जो बेसिक फॉर्म है उसके लिहाज से हम लैंग्वेजेस के बीच में वेरिएबिलिटी या उनकी चेंज जो है वो देख सकते हैं। यानी हमारे पास एक कॉमन सेंटर आ गया सारी लैंग्वेजेस का, और फिर हम ये देख सकते हैं कि अब इस कॉमन से कौन सी लैंग्वेजेस कितनी मुख्तलिफ हैं। यानी एक लैंग्वेज के अंदर अगर 100 रूल्स हैं तो शायद 3 या 4 रूल्स हमारे पास जो हैं वो यूनिवर्सल ग्रामर के हों, वो 3-4 रूल्स ऐसे हैं कि वो सारी लैंग्वेजेस उसको ओबे करती होंगी, और फिर बहुत सारे उनके रूल्स ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक टू दैट लैंग्वेज होंगे। तो इस तरह उसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस के कितने रूल्स कॉमन हैं, और उससे हमें उनके बीच में फ़र्क का भी पता चलेगा। यहाँ पे हम 2 थ्योरीज की बात भी करेंगे कि जिस एंगल से आप लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं। तो फॉर्मल थ्योरीज के थ्रू अगर कोई लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि अल्फाज का आपस में रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से वो उसको हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो जो अल्फाज की आपस में रिलेशनशिप्स हैं उनकी जो स्टडी है उसको अगर हम सिस्टमेटिकली कैरी आउट करें तो वो फॉर्मल थ्योरीज की स्टडी होगी। यानी हम लैंग्वेज को उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड देख रहे हैं कि अल्फाज का आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है।
तो आप देखते हैं कि लैंग्वेज के अंदर हमें मुख्तलिफ जगहों पे हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि कौन से लफ्ज़ को हम प्लूरल बनाएंगे तो उसके साथ एस लगाना है और किसके साथ आई ई एस लगाना है, किसको हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ ई डी लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। तो ये सारी जो वर्ड्स हैं और उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी जो है दैट इज़ फॉर्मल थीरीज। फंक्शनल थीरीज जो है उसका फोकस इस पे है कि लैंग्वेज जो है उसको हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस लिहाज से अगर उसको देखें कि वो अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रही है तो वो हमारी फंक्शनल थीरीज की स्टडी होगी। मतलब एक लैंग्वेज जो है, अब हम जनरल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, एक स्पेसिफिक सिनारियो में अगर कुछ बोला गया है तो हम उसकी फंक्शनल थीरी को इस तरह से देखेंगे कि वो मकसद जो है, जो बात एक बंदा दूसरे को कन्वे करना चाह रहा है वो किस हद तक पूरा हो रहा है। तो लैंग्वेज की जैसे हमने शुरू में भी बात की कि एक फंक्शन जो है वह उसका कम्युनिकेशन है, जिस बंदे को बात की गई है वो किस हद तक उसको समझ रहा है, वो स्टडी जो है वो हमारी फंक्शनल थीरीज होगी कि ये लैंग्वेज जो है ये अपना फंक्शन जो है जो इस वक्त कम्युनिकेशन का है वो किस हद तक पूरा कर रहा है। इस तरह से अगर हम कोई और किसी के वर्ड्स या कोई राइटिंग जो है वो उठा लें और ये देख लें कि किस हद तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किस हद तक आप एंटरटेन हो रहे हैं, तो ये सारे फंक्शंस हैं, तो उस लिहाज से अगर उसको स्टडी करें तो वो उसकी फंक्शनल थ्योरीज की स्टडी होगी कि लैंग्वेज जो है वो अपने फंक्शंस किस हद तक परफॉर्म कर रहा है। तो ये था इस लेक्चर के लिए जिसमें हमने फॉर्मल और फंक्शनल थ्योरीज डिस्कस की और नॉम चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर की जो थ्योरी थी उसको स्टडी किया। शुक्रिया।